हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिटर टेक्निकल में। मेरे इस चैनल के जरिए आप सभी को आईटीआई ट्रेड फिटर से रिलेटेड हर एक चीज की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है, चाहे वो आपका फिटर थ्योरी हो या आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या आपका फिटर प्रैक्टिकल हो, यानी फिटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको हमारे चैनल पर समय समय पर मिलती रहती है। तो प्लीज इन सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन का बटन प्रेस कर ऑल मोड में जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ऑर्थोग्राफी एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए व हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपको जैसे पता चल गया है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होती है, व्हाट इज ऑर्थोग्राफी एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होती है। जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होती है, ये जो मैं आपको बताऊंगा ये बिल्कुल इजीएस्ट वे में बताऊंगा, ताकि आपको एकदम याद रहे और आप कभी भूलो ना इसे। तो बताता हूं मैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होती है, आपको याद रखना है कि ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन होती है आपकी, ये आपकी होती है टू डायमेंशन प्रोजेक्शन। ठीक है, जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होती है ये टू डी में बनती है, यानी टू डायमेंशनली होती है प्रोजेक्शन। टू डी मतलब डायमेंशन। ठीक है, ऑर्थोग्राफी जो भी प्रोजेक्शन बनेगी आपकी 2D में बनेगी। ठीक है, टू डायमेंशन प्रोजेक्शन होती है, जो भी आपकी ड्राइंग बनाएंगे आप ऑर्थोग्राफी में वो 2D में बनती है। जो भी आप 2D ड्राइंग बनाते हैं, मान लीजिए आप ऐसे बना रहे हैं, ये देखिए, जैसे कि आप कोई भी 2D ड्राइंग बनाते हैं, ये वाले देखिए, ये देखिए, कोई भी आप 2D में ड्राइंग बनाएंगे वो होगी आपकी, कोई भी आपसे अगर पूछ ले ये क्या कौन सी प्रोजेक्शन है तो आप बताएंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये देखिए, कोई भी आपकी टू डायमेंशन में आपकी ड्राइंग बनेगी वो होगी आपकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपका बेस एंड हाइट ही होती है ओनली। ठीक है, इसमें दो चीज होती है आपकी, बेस एंड हाइट। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में टू डायमेंशन प्रोजेक्शन होती है ये, और इसमें खाली बेस और हाइट होती है, जो इस प्रकार बनता है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। एंड आइसोमेट्रिक में आते हैं हम, आइसोमेट्रिक जो आपकी प्रोजेक्शन होती है होती है आपकी थ्री डायमेंशन प्रोजेक्शन, ये होती है 3D, इसे कहते हैं थ्री डायमेंशन प्रोजेक्शन। ठीक है, ये आपकी किस प्रकार बनती है, ये बनती है आपकी 3D जो प्रोजेक्शन बनती है, देखिए अब मैं बनाकर दिखाता हूं आपको, इस प्रकार बनती है, ये देखिए, ये देखिए, ये इस प्रकार बनेगी आपकी। ठीक है, ये अभी बनाकर दिखाता हूं मैं आपको, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में कभी भी कुछ बनाते हैं तो प्लीज आप इस रोलर को जरूर परचेज करें, ताकि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते समय बहुत ही आसानी हो, क्योंकि इस रोलर के द्वारा आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को बहुत ही कम समय में और आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, तो समझते हैं, ये देखिए, ये आपकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थी जो टू डायमेंशनली थी, और ये आपकी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है जो थ्री डायमेंशन है, 1, 2 और हाइट इसकी 3। देखिए, ऑर्थोग्राफी में आपकी दो चीज होती थी, बेस एंड हाइट, इसमें आपकी 3 चीज होती है, आपका साइड हो गया, ठीक है, आपका बेस हो गया एंड आपका हाइट हो गया। इसमें कितनी चीज आती है आपकी, 3 चीज आती है। अब जो ऑर्थोग्राफी का थर्ड पॉइंट आता है वो होता है आपका, जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है आपका 90 डिग्री पे बनती है आपकी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है ये। ठीक है, ये आपका जो बनेगी ये बनेगी 90 डिग्री पे, और जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होती है ये आपकी जो बनती है ये बनती है आपकी 30 डिग्री पे बनती है आपकी प्रोजेक्शन ये। ठीक है, ये देखिए, ये जो ये वाली लाइन जा रही है आपकी, ये 30 डिग्री पे होगी। देखिए, अगर आप इसे डी के द्वारा देखें, प्रोटेक्टर के द्वारा देखें, तो 30 डिग्री पे बनती है आपकी लाइन। ठीक है, और ये 90 डिग्री पे। तो सबसे आपको दोबारा समझा देता हूं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होती है। जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होती है आपकी टू डायमेंशन होती है, एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपकी 3 डायमेंशन होती है। और सेकंड पॉइंट आता है, इसमें बेस एंड हाइट होता है आपका खाली, और इसमें आपकी जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होती है इसमें आपकी साइड, बेस एंड हाइट, इसमें 3 चीज होती है। और जो थर्ड पॉइंट आता है, ये 90 डिग्री पे बनती है और ये 30 डिग्री पर बनती है। और इससे पहले वीडियो में अगर मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्शन क्या होती है, कि प्रोजेक्शन कैसे बनती है, उसको भी आप वीडियो को जाकर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी आप जाकर जरूर देखें, उससे आपको बहुत ही आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि प्रोजेक्शन क्या होती है। ठीक है,
ये प्रोजेक्शंस के टाइप्स हैं ऑर्थोग्राफी एंड आइसोमेट्रिक, इन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है आपकी ईडी में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है। वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि प्रोजेक्शंस किस प्रकार बनती है और किस प्रकार उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है और आपको अच्छे तरह से समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो का फायदा हो सके। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल के साथ बने रहिए और आपको ऐसे ही फिटनेस से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। सो थैंक यू दोस्तों।